अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो है वो हम अपना क्वालिफाई बीएड का प्रिपरेशन प्लान देख रहे हैं। क्वालिफाई बीएड जो पर बेसिक बात आपकी है, इसको हम एबीसी बुक भी कह सकते हैं और ये बहुत ही एज यू नो इजीएस्ट ऑब्जेक्टिव बुक है पीपीएससी प्रिपरेशन के लिए, एचएम के लिए या लेक्चररशिप के लिए। तो क्वालिफाई बीएड जो प्रिपरेशन प्लान है वो बहुत, जैसे बुक इजी है, प्लान भी बहुत सिंपल और इजी है। इसमें जो नॉट इंक्लूडेड सेक्शंस हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं। सेकंड पोर्शन 10th एंड 11th जो है ये आपने इनको ओमिट कर देना है, इनको आपने इंक्लूड नहीं करना। इनको हम क्यों निकाल देते हैं, उसकी रीजन ये है कि ये जो है वो टीचिंग ऑफ उर्दू से रिलेटेड, ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है और जो सेकंड पोर्शन है हमारा ये भी जो है वो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है। लेकिन जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने ये सेकंड पोर्शन जो है इसके जस्ट वैसे एक इंजॉय रिलैक्स वे में जो है वो करते हुए सेकंड पोर्शन के कुछ एमसीक्यूज ऐसी नजरों से गुजारे थे, क्योंकि कम्युनिकेशन जो पेपर है कोर्स था ये हमारा एमफिल में, इसलिए तो बहुत कोई जो है वो ये लाजमी चीज़ नहीं है कि आपने इनको छोड़ना ही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ने बहुत अच्छा होगा जनरल नॉलेज के लिए भी, और अगर आप इसको निकालना चाहें तो ये सेक्शंस जो है वो एजुकेशन प्लान में इंक्लूडेड नहीं है, जीके की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन प्लान जो है उसमें स्टडी प्लान हमारा जो है वो 4 डेज प्लान है। 4 डेज में आपने टोटल 11 सेक्शंस हैं इस बुक के। ठीक है, 11 सेक्शंस में से जब आप ये 3 निकाल देते हैं तो आपके पास 8 सेक्शंस बाकी रह जाते हैं। 8 सेक्शंस आपने 2 डेज में कवर करना है। एक सेक्शन कैसे करना है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने इसको सिंपली ऑब्जेक्टिव नहीं करना, बल्कि आपने ये करना है। व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने उनके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जैसे ये बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इस टाइप की जो चीजें एमसीक्यूज पढ़ते हुए जो पॉइंट्स आपके जहन में आएंगे वो आप उसे बुक की साइड पे लिखते जाएं। ठीक है, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एंड वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो क्या है कि स्टडी जब आपने करनी है तो आपने जितने भी की पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं स्टडी करते हुए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं, आपने उन सबको लिखते जाना है, उनके थ्योरेटिकली पढ़ना है आपने। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करें, उस पर आप फॉरन जो है स्कॉलर्स के लेक्चर ले सकते हैं या किसी भी स्कॉलर के आप लेक्चर जो है वो उस पर कैप्शन ऑन करके इंग्लिश में ले लें चाहे, और चाहे उर्दू में ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने उन टॉपिक्स को जो है वो न्यू चीजें आपको लग रही है, न्यू स्किल्स हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप यूट्यूब से एक दफा जाके जो है वो जरूर देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह 4 डेज में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से ये आपकी जो बुक होगी वो कवर हो चुकी होगी। ठीक है, ये था हमारा 4 डेज प्लान जिसमें हमने क्या किया है, हमने इन 8 सेक्शंस को, जो 8 सेक्शंस हमने करने हैं उसके की पॉइंट्स हम कहाँ से करेंगे, जो भी हमारे जहन में आ रही है हम उसको यूट्यूब से देखेंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ डेली हम 2 पोर्शंस की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो 8 जो हमारे सेक्शंस हैं हमने इस तरह से कवर करने हैं कि सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो इंशाल्लाह। तो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, कीप इट अप, अल्लाह हाफिज़।